नमस्कार, आप देख रहे हैं जेएक्स न्यूज छत्तीसगढ़। चलिए बढ़ते हैं आज की छोटी बड़ी खबरों की ओर। नकाबपोश बदमाशों ने शराब दुकान को बनाया निशाना, कट्टे की नोक पर नकदी लूट कर हुए फरार। कोरबा जिले में बदमाशों के हौसले बुलंद है, बिना पुलिस के खौफ के हथियार के साथ वारदात को अंजाम दे रहे हैं। ताजा मामला दर्री थाना क्षेत्र से आया है। यहाँ स्थित शराब दुकान को नकाबपोश बदमाशों ने निशाना बनाया और कट्टे की नोक पर लगभग 1 लाख रुपए लूट कर फरार हो गए। लूट की घटना से क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच में जुट गई। जानकारी के अनुसार दर्री थाना अंतर्गत गोपालपुर शराब दुकान में बीती रात दुकान बंद होने के बाद कर्मचारी बिक्री रकम की गिनती कर रहे थे। इसी बीच कुछ नकाबपोश युवकों ने हाथ में कट्टा लेकर दरवाजा खुलवाया और लगभग 1 लाख रुपए नकद लूट कर फरार हो गए। लूट की वारदात के बाद दर्री पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच शुरू की। वहीं देर रात एसपी सिद्धार्थ तिवारी भी घटनास्थल पर पहुंचे। फिलहाल पुलिस शराब दुकान में लगे सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान करने में जुटी हुई है। साथ ही जिले के आसपास नाकेबंदी कर विशेष चेकिंग की जा रही है। विकास सोनी की खास रिपोर्ट। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ ऐसे ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए जेएक्स न्यूज छत्तीसगढ़।